आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति की टीम MGM फिजियोथेरेपी कॉलेज में आ चुकी है। आज हम जानना चाहेंगे फिजियोथेरेपी क्या होती है। नेशनल हेल्थ डे के ऊपर डॉक्टर रिंकल मालानी मैम, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी के हैं, उनसे जानेंगे क्या फिजियोथेरेपी क्या होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकल मालानी, मैं प्रोफेसर और प्रिंसिपल हूँ MGM स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी कॉलेज की, और यहाँ पर मुझे 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है MGM कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी जब हम लोगों ने पढ़ाई करना चालू किया था, तब लोगों को इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि फिजियोथेरेपी है क्या। तो हम हर बार ये सुनते थे कि फिजियोथेरेपी एक मसाज का एक तरीका है, लेकिन आज जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, फिजियोथेरेपी का मतलब मसाज नहीं है। इसमें हम अलग अलग तरह के मशीन और एक्सरसाइजेस यूज़ करते हैं, प्लस हमारे पास काफ़ी अलग अलग तरह के टेक्निक्स हैं जो कि वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। ये सारे टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग तरह की बीमारियों में। बीमारियों में जैसे मस्कुलोस्केलेटल, हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई, वुमेन्स हेल्थ हो गया जिसमें लोगों को यूरिन इनकंटिनेंस का प्रॉब्लम जाता है, पेल्विक फ्लोर का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद के इश्यूज़ हैं। इसके साथ ही साथ हार्ट सर्जरीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा, बच्चों में होने वाली बीमारियाँ, बच्चों में होने वाले डेवलपमेंटल इश्यूज़, पैरालिसिस, एज वेल एज स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोगों का MGM रिहैबिलिटेशन एंड फिटनेस सेंटर कार्यरत है। इतने सारे स्पेशलाइजेशंस पहले किसी को पता ही नहीं थे कि फिजियोथेरेपी कहाँ तक अपने ट्रीटमेंट एरियाज़ को एक्सपर्ट प्रोवाइड कर सकता है। पहले लोगों को सिर्फ इतना ही पता रहता था कि सिर्फ हड्डियों के लिए फिजियोथेरेपी या मसाज के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये अभी धीरे धीरे हम लोगों ने जागरूकता फैलाई है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, ये हर तरह की ब्रांच के लिए, ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के लिए ये रिहैबिलिटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट मैं एक ये एक्सटेंड करना चाहती हूँ कि जैसे एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, एज वेल एज पेन एजुकेशन। एक्सरसाइजेस का रोल कोविड में भी अभी हमने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज को एक मेजर फैक्टर बताया गया इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। सो जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस किए इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स या कोविड में भी आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए, सबसे पहले डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज को भी इम्पॉर्टेंस दी गई। और हमने कोविड में भी ये देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो ट्रीटमेंट ICU में या वार्ड में दिया जा रहा है, उन पेशेंट्स का रिकवरी काफ़ी अच्छे से और जल्दी हो रहा है, प्लस जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो जस्ट फिजियोथेरेपी एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट है जो हर तरह की कंडीशन में दिया जा सकता है, और किसी भी तरह के एपिडेमिक या कोविड जैसी बीमारियों के लिए भी फिजियोथेरेपी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मालानी मैम, आप जैसा बताया कि फिजियोथेरेपी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स में भी इसके अवेयर नहीं होने से पेशेंट भी काफ़ी डिसेबिलिटी बढ़ रही है। पोस्ट ऑपरेटिव जैसा भी होता है, उनको फिजियोथेरेपी मस्ट होता है, लेकिन पेशेंट को न बताने की वजह से या फिर गलत फहमी है लोगों में, कुछ भी नहीं, आप जाके घर पे एक्सरसाइज कर लो, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए ये अगर हम पेशेंट को बताते हैं, तो ऐसे पेशेंट अगर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेता है तो वो डिसेबिलिटी से बच सकता है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली अवेयरनेस काफ़ी कम है, डॉक्टर्स उनको बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, बट रेफरेंस टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी थोड़ा सा कम आता है। पर अगर हम देखें जहाँ पर काफ़ी वेल इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका रेफरेंस सिस्टम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन जो सिटीज़ ग्रोइंग हैं या रूरल एरियाज़ हो गए, वहाँ पर फिजियोथेरेपी जैसी अवेयरनेस या जागरूकता नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स का भी एक स्टेप आगे आना चाहिए टुवर्ड्स फिजियोथेरेपी, कि हमें पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में किस चीज़ के लिए रेफ़र करना है।
और जब पेशेंट को ये पता पड़ेगा कि हमें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाकर के हमारी डिजेबिलिटी हो या हम कोई काम नहीं कर सकते हो या पेन है या ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद जाकर के वो एक एडवाइस लेना है और उन चीज़ों को फॉलो करना है, तो उससे जो डिसेबिलिटी और फंक्शनल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। सो ये अवेयरनेस, हाँ मैं ये मानती हूँ कि अवेयरनेस बहुत कम है, बट हम सब लोग उसी ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं कि धीरे धीरे हम डिफरेंट कैंप्स, हेल्थ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके कम्युनिटी में, डॉक्टर्स में, एज वेल एज सिटी, स्टेट और एट इंडियन पॉपुलेशन, हम लोग ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि फिजियोथेरेपी फंक्शनल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिससे डिसेबिलिटी कम होता है। तो सबसे पहले मैं हेल्प डॉक्टर्स और फिजिशियंस का डिमांड करूंगी कि वो जागरूकता में हमें सहायता प्रोवाइड करें। मैडम, अभी हमने देखा है कि काफ़ी अपने मेडिकल में हर एक ब्रांच होती है, जैसे आपने बताया है सर्जरी है, ऑर्थो है, ऐसी हर एक ब्रांच होती है, फिजियोथेरेपी एक ब्रांच है, लेकिन फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स भी आगे नहीं आते हैं कि अपने ब्रांच को प्रमोट करें, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने भी अपना ब्रांच को प्रमोट करना चाहिए। तो इसके लिए अपने डॉक्टर्स को एक आपके माध्यम से एक संदेश दीजिएगा कि फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने अपने ब्रांच को कैसा प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहले तो फिजियोथेरेपी एक एफिलिएटेड कॉलेज और काउंसिल के थ्रू मान्यता प्राप्त रहे, तो फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि उनका वर्क जो है एक एफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू है और एक काउंसिल के थ्रू है। ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट जागरूकता कराने में काफ़ी मददकारक होते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी हॉस्पिटल या कॉलेज से अटैच हैं, वो अपने काम को सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट वे से कम्युनिटी को, लोगों को और डॉक्टर्स को दिखाएं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं लोगों में, तो ये अपने आप में एक तरह से जागरूकता का सहायक हो सकता है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं मिल करके एक काउंसिल और एक एफिलिएशन के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर रिंकल मालानी, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल MGM स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी, आप सबको वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभेच्छा देना चाहती हूँ और इसी के साथ यही कामना करती हूँ कि पूरी पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इंडिया में हेल्थ स्टेट काफ़ी अच्छा मेंटेन रहे। तो सभी को हार्दिक शुभेच्छा। आरोग्य जागृति।